वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव एक धमाकेदार टॉपिक पे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है आज का, जो हमारा रहेगा सिलेक्शन बेस लेक्चर नंबर 37। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप इंजॉय करोगे। मेरी क्लास स्टार्ट होने के बाद बैक टू बैक फायर होता है विदाउट किसी टाइम वेस्टिंग के, तो फटाफट से देखिए लेक्चर नंबर 37 सिलेक्शन बेच लेकिन ग्रेविटेशन पार्ट टू। ग्रेविटेशन पार्ट वन अगर आपने मिस कर दिया, टाइप कर सकते हैं इस क्लास के बाद में, सर्च कर सकते हैं सिलेक्शन बेच ग्रेविटेशन पार्ट टू बाई आर एस सर लगा देंगे, वो क्लास आपके सामने होगी। सिलेक्शन बेच ग्रेविटेशन पार्ट टू बाई आर एस सर लगा दोगे, क्लास आपके सामने होगी। कोई भी टॉपिक मिस कर दिया, पीछे वाला टॉपिक आप उसका सर्च करके लगा सकते हैं। आज का ग्रेविटेशन पार्ट टू करेंगे। अगर पार्ट वन में आपने आग लगा के रखी है, उसी लेवल पे आज हम बात करेंगे। दो पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों को एक एक कॉन्सेप्ट एक एक फॉर्मूला क्लियर करवाने के बाद क्लास को एंड करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 37 ग्रेविटेशन पार्ट टू। हाउस जोस रेडी टू फाइट, फटाफट से एक बार रिप्लाई करें कमेंट सेशन में और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी बच्चों से दिल से रिक्वेस्ट है, एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को जरूर शेयर कर दें। आपका जो ग्रुप है उसमें एक बार टेलीग्राम पे जहां पर भी है क्लास को शेयर कर दें और अपने दोस्त लोगों को फटाफट से बुला लें, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं वन बाई, ठीक है। यस, देखिए सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए बोलूंगा, दिमाग में थोड़ा सा मतलब रिवर्स करने के लिए बोलूंगा। आपने 12th क्लास, अभी तो मैंने 12th पढ़ा है नहीं, अगर आपने पहले पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा होगा। क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है? क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मैं टोटल उसको कॉपी पेस्ट करके यहां पर लगाने वाला, याद करिए, ठीक है। अगर ये पढ़ने के बाद जो मैं आपको 12th का टॉपिक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल कॉपी पेस्ट होगा। तो आज मैं उसको वहां से यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, जरा समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, और वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र किसी चार्ज का वहां पे और यहां पे किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मास का। ये मेरे पास एक मास है, इस मास का कैपिटल एम इसका मास है, कैपिटल एम इसका मास है या एम वन है इसका मास, ये दूसरा आपका मास है एम टू है। ये एम वन मास, ये बड़ा वाला मास, ठीक है, इसके पास में कोई दूसरा मास आ रहा है। ये जैसे ही इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, जैसे ही इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसको दूर धकेला जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, यानी इस पर एक फोर्स फील होता है, इस पे एक बल महसूस होता है। वहां पे चार्ज के हिसाब से आता है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे मास के हिसाब से आता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पास आ रहा है, अट्रैक्शन उस पे लग रहा है, उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो वो जो प्रभाव क्षेत्र, जिस प्रभाव क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इस मास के चारों ओर का ये प्रभाव क्षेत्र, इस प्रभाव क्षेत्र में अगर कोई दूसरा मास लेके आते हैं तो वह एक फोर्स फील करता है, बल अनुभव करता है। तो उसी प्रभाव क्षेत्र को, उस मास के चारों ओर का वो जो प्रभाव क्षेत्र है, उसी प्रभाव क्षेत्र को हमने क्या कहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लीजिए ये एक मास रखा है और इसमें कोई दूसरा मास आता है, तो जैसे ही आएगा उसको बल महसूस होगा, उस पर फोर्स लगेगा, बल उसको महसूस होगा। जिस एरिया में आया, इधर से मैं चल रहा हूं, मुझे कोई बल महसूस नहीं हो रहा, जैसे ही मैं उसके एरिया में पहुंचा और मुझे बल महसूस हो रहा है, तो ये इसका मतलब इसका एरिया आ चुका है, हम दूसरे के एरिया में घुस चुके हैं। ये हमारा रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन, ठीक है, जनरली अंडरस्टैंडिंग है और कोई एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां से जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा कि टोटल कॉपी पेस्ट करके दूंगा मैं आपको, तो पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, याद होगा आपको E बराबर F बटा Q,
क्यू या क्यू नोट जो भी आपका टेस्ट चार्ज था, एकांक परीक्षण आवेश को किसी प्रभाव क्षेत्र में लाने पर उसके द्वारा फील किया गया फोर्स उस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये पढ़ेंगे ट्वेल्थ में और आपने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम आपको मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं, उस डायग्राम में ये मान लीजिए आपका कैपिटल एम है और ये मान लीजिए आपका स्मॉल एम है, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये वो जो टेस्ट चार्ज था उसका काम है, ये टेस्ट मास है जिसको अपन यूनिट कर देंगे, एकांक कर देंगे। इन दोनों के बीच की सेंटर से अगर मैं दूरी लेता हूं, अगर मैं इन दोनों के सेंटर से अगर मैं दूरी लेता हूं तो वह दूरी मान लीजिए आर है, तो यहां पर मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ ये अगर अपन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर की तरफ इधर एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा जिस बल को मैंने एफ नाम दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल। और दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मेरे सभी बच्चों को पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, एफ जी बराबर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कल वाली क्लास में आपको अच्छे से करवा दिया, उम्मीद ये करता हूं कि आपको याद होगा। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, भाई कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बीच की दूरी आपका आर, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बड़े गोले की तरफ अट्रैक्शन लगेगा उस पिंड पे, इसलिए आकर्षण बल इस तरफ लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है। अगर आपने बल निकाल लिया है, अगर बल का फॉर्मूला आपको आता है तो हम फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। हम फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा बेटा, जब मैं समझा रहा हूं ना तो पूरा फोकस क्लास पे रखें, कमेंट सेशन में कन्वर्सेशन ना करें। अगर आप क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं तो पूरा फोकस क्लास पे करिए। एक एक लाइन क्लियर कराऊंगा, एक एक फॉर्मूला क्लियर कराऊंगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा, बस शर्त मेरी एक है, क्लास पे फोकस करें पूरा, आराम से बताऊंगा वन बाई वन, ठीक है। यस, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तैयार कर लिया साहब, अब इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करें? सर जी इसका कॉपी पेस्ट है तो कर लो आप, चलो कॉपी पेस्ट करना है मैं कर रहा हूं। सबसे पहले ई की जगह, ये जो यहां पे ई इसका सिंबल था उसकी जगह या तो आई जी या ई जी, तो मैं उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आई जी लिख देता हूं। आई जी बराबर फोर्स, यहां पर भी एफ लग रहा था, यहां पर भी एफ लग रहा है, तो सर जी एफ, अच्छा जी बटा यहां पर बेटा क्या है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है आपका मास, क्या नाम है उसका, स्मॉल एम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर मैं इसको वेक्टर में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा इसको आई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा एम। पहला मेरा डेफिनेशन क्लियर है, पहला मेरा डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन बना के बताओ। मैं बताता हूं, जब किसी यूनिट मास को, जब किसी यूनिट मास को किसी बड़े मास के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाता है, ये इसका प्रभाव क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके द्वारा एक फोर्स फील किया जाता है। यूनिट मास पे लगने वाला ये जो फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि मास को आपने यूनिट कर दिया है, तो आई जी बराबर क्या बच गया, एफ, क्योंकि एम को तो आपने यूनिट कर दिया। मैंने क्या कहा, एकांक आवेश को किसी स्थिर मास के चारों ओर पर जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें लाने पर उसके द्वारा अनुभव किया गया बल, फील किया गया फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। एक बार ये डेफिनेशन मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं ताकि आपको मन को शांति मिले। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश यूनिट टेस्ट मास जो आपका स्मॉल एम है उस पे लगने वाला बल या गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे फॉर्मूले से बना के बता दिया है, बताओ डेफिनेशन क्लियर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें फटाफट से, और सभी बच्चों ने आई थिंक अब तक क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है आपको पता है। कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें और क्लास में आ चुके हैं तो एक बार प्रेजेंट लगा दें।
हाउस द जोस का रिप्लाई मुझे लाइक बटन पे ही चाहिए, पता चल जाएगा किस जोस के साथ क्लास में आपने एंट्री मारी है। ठीक है, तो डेफिनेशन बन गया है यूनिट टेस्ट मास एकांक एकांक यूनिट टेस्ट मास पे लगने वाला बल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। लेकिन सर जी फॉर्मूला ये नहीं बढ़ेगा, फॉर्मूला तो कुछ और ही बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बना था, ऐसा फॉर्मूला कैसे आया था, वहां पे आपने F की वैल्यू पुट कर दी थी, यहां पर मैं आपको F की वैल्यू पुट करनी है। F की वैल्यू है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल M बटा आर स्क्वायर बट्टे में इसमें क्या बेटा, ये तो F का वैल्यू पुट किया आपने, ये तो F का वैल्यू पुट किया बट्टे में क्या बेटा M, एक M से एक M कट गया। तो आप मुझे बताइए आई जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बट आर स्क्वायर है। आंख बंद करके एक बार इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर लो, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर लो, जवाब मिल जाएगा किस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ चिपका दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया गया है। ठीक है, यस क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया गजब। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर। यहां पर भी टेस्ट मास को दरकिनार कर दिया गया था और टेस्ट चार्ज को, और यहां पर भी इस टेस्ट मास को दरकिनार कर दिया गया है, केवल और केवल कैपिटल एम है वो यहां पर आया है। जरा इसको गौर से देख लें, टेस्ट मास को साइड में कर दिया गया है क्योंकि टेस्ट मास आपका कट चुका है। फॉर्मूला याद कर लें आई जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बट आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम बट आर स्क्वायर। क्लास में याद करवा दूंगा, मैंने कहा क्लास पे अगर फोकस करेंगे तो आई जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। क्लियर है ये फॉर्मूला, क्लियर है बेटा यहां तक ये फॉर्मूला, क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक फॉर्मूला, जी एम बटा आर स्क्वायर याद है, यस यस बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया गजब। देखिए इसके बाद में तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं यहां पे इसको पूछूं कि बेटा मैंने इसको यहां पे वेक्टर में लिखा है तो जरा मुझे इसको भी वेक्टर में लिख के बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब सवाल है बेटा। इसको मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं आई जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, और मैं इसको आर के एकांक सदिश के रूप में लिख सकता हूं। आप मुझे बताओ अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो आपके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा, सर बात बिल्कुल सही है लेकिन आप हमें ये बताइए इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन से लगाई। मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका टेस्ट मास है इसको अट्रैक्ट करेगा आपका बड़ा वाला मास, तो उसी की दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी आई जी वेक्टर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर आर के। आर के इज ए यूनिट वेक्टर जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। पहले डायग्राम से समझो, कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास टेस्टिंग मास, बीच की दूरी स्मॉल आर, इस पे लगने वाला आकर्षण बल एफ, दोनों पिंडों पे लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन आई जी बराबर एफ बटा एम, एम टेस्टिंग मास है, एफ का वैल्यू ऊपर से रखा एम से एम कट गया, ये फॉर्मूला आ गया, इसी को मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में नीचे लिख दिया है। डेफिनेशन आपको मैंने बता दिए, यहां से आप अपने नोट्स में डेफिनेशन नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है। अगला कॉन्सेप्ट है इसका वेक्टर फॉर्म जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ये इसका वेक्टर फॉर्म है जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। चलिए जी अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, क्योंकि मैंने कहा कि अपन टोटल निचोड़ निकाल देंगे एक एक पॉइंट का, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे क्लास में, तो कुछ स्पेशल पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी में हमारा पहला पॉइंट है ये एक सदिश राशि। ये कौन सदिश है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर पता है हमारे को, हमने अभी याद किया है आई जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, यस ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो भाई इसका जो फॉर्मूला था, इसका जो मात्रक था वो क्या बढ़ जाएगा। तो पहले एक बार मैं इसका फॉर्मूला फिर से लिखना चाहूंगा, आई जी बराबर एफ बटा एम, जनरल फॉर्मूला यही था सर, यही था सर। चलो जी सबसे पहला फॉर्मूला, यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, आई जी बराबर एफ बटा एम न्यूटन प्रति केजी। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मात्रक हो गया, अगर मात्रक हो गया तो इसका डायमेंशन कौन बताएगा मुझे, वो आपको याद करनी है फोर्स के लिए बेटा,
एम वन एन वन टी माइनस टू और अपॉन में के जी मास के लिए बेटा एम वन, तो इसको सॉल्व करेंगे एम जीरो हो जाएगा एल वन टी माइनस का टू, एम वन जीरो एल वन टी माइनस का टू, ये इसकी डायमेंशन होगी और इसका इकाई यूनिट है न्यूटन प्रति के जी है। दोनों के दोनों एक भी ना आपको इसका यूनिट रट्टा मारना है ना इसका डायमेंशन, बना के लिख देना है, माइंड कैलकुलेट करके लिख देना है। और जिन बच्चों ने इसको कैलकुलेट किया है एक बार मुझे बता देना, आप लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के अपने, ठीक है, 406 बच्चों ने प्रेजेंट लगा दिया है और 500 प्लस बच्चे लाइव है। शाबाश, पहला पॉइंट, किसी बच्चे का कोई डाउट सवाल बनेगा डायरेक्ट याद रखना है, न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन के लिए एम वन एल वन टी माइनस टू बटा केजी के लिए एम वन, एम वन से एम वन कट गया, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, मैंने एम जीरो नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर टू जिसके बारे में यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर टू क्या है यहां पे, इसको समझने की कोशिश करिएगा जरा। आई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा एम, सर ये क्या है बेटा, डेफिनेशन है सर। आई क्यों लिखा, आई जी क्यों नहीं लगा बेटा, जी लगा देते आप खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई जी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा एम, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिख रहे हैं डेफिनेशन के हिसाब से। अर्थात सर जी ये कोई चीज मुझे लग रहा है कि कॉपी किया आपने, बिल्कुल ये कॉपी है, कहां से सर जी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वही फॉर्मूला आपका, क्या ई बराबर एफ बटा क्यू, देखिए यही डेफिनेशन दिया मैंने पीछे, तो उसी डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, एफ बराबर क्यू ई, बस सेम ही तो चीज है, नया कुछ नहीं है। देखो एफ की जगह यहां पर भी एफ है, क्यू की जगह यहां पर मास एम है, और यहाँ पे ई की जगह आई है, बात खत्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तो क्या अलग से कुछ रट्टा मारने की जरूरत है, नहीं, वही चीजें सारी कॉपी पेस्ट हुई है, उनको ढंग से एक बार कंपेयर करो, एक तीर से दो शिकार होंगे और दोनों परमानेंट होंगे, अपना ही शिकार है, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, याद रखिएगा एफ वेक्टर बराबर एम आई वेक्टर या आई जी वेक्टर, बात ये की है, ठीक है, यानी बिंदु द्रव्यमान पे लगने वाला बल, उसके द्रव्यमान यानी मास और उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता यानी आई के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो उसके मास और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर है, ये आपका फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। दूसरा पॉइंट, किसी बच्चे का कोई डाउट क्लियर है बेटा, ठीक है, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में जाने से पहले क्लास के दौरान ही फॉर्मूले याद करने वाले बच्चे हाथ ऊपर कर लें कमेंट सेशन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे जाने से पहले ही मैं कंपैरिजन करवा देता हूं आपको, बहुत तगड़े फॉर्मूले जिनका यूज हमें न्यूमेरिकल में करना होगा, जिनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे दो स्पेयर ले रहा हूं, एक स्पेयर आपका सॉलिड स्पेयर है और एक स्पेयर आपका हॉलो स्पेयर है, और सॉलिड और हॉलो स्पेयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड की बात हम करने वाले हैं, तीनों पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड सॉलिड स्पेयर और हॉलो स्पेयर दोनों के लिए। उम्मीद करता हूं कि सब रेडी होंगे। सबसे पहले सॉलिड स्पेयर जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और इसके सेंटर से आर दूरी पर एक स्मॉल एम का मास रखा है, जिसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अच्छा जी, इधर एक हॉलो स्पेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक स्मॉल एम का मास रखा है, सेम लॉजिक है। नंबर वन स्टेप, सबसे पहले आउटसाइड द सरफेस या आउटसाइड द स्पेयर यानी गोले के बाहर क्या है, गोले के बाहर क्या है, सबसे पहले देखिए पहला केस जो आपका बनता है नंबर एक, पहले केस के बारे में अपन बात यहां पे कर रहे हैं, ये केस आउटसाइड द स्पेयर, सॉलिड स्पेयर और होलो स्पेयर। आप मुझे ये बात बताएंगे क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा, अगर अपने यहां पर बाहर कोई बिंदु लिया है क्या बाहर के बिंदु में कोई फर्क रहेगा इंटेंसिटी को लेकर, नहीं, वही इंटेंसिटी रहेगी जो इसके लिए जो अभी अपने प्राप्त की थी, आई बराबर जी कैपिटल एम बटा स्मॉल आर है ना दूरी, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर, वही आउट लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, सेम ही चीज रहेगा। और उसके बाद में यहां पर भी आई आउट है और इसके लिए भी आपका हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटा दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल आर का स्क्वायर। ये बताइए आप, दोनों फॉर्मूले क्लियर है, सेम आउटसाइड के लिए मतलब वही फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे बनाया है, हमने जो मेन फॉर्मूला जनरेट किया है वही फॉर्मूला आपको यहां पर मिलेगा जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यस।
सॉलिड के लिए हो गया और आपके होलो के लिए हो गया। अब अगर यही चीज मैं सरफेस पे लेके आता हूं, केस टू में अगर यही पॉइंट आपका सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, यहां पे आ जाता है, तो भैया उस कंडीशन में आपका स्मॉल आर क्या हो जाता है, कैपिटल आर। इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। ये आप इसका दूसरा फॉर्मूला, दूसरा केस, ये केस, इसका फर्स्ट केस दोनों का सेम है बेटा, फर्स्ट केस देख सकते हो दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन अगर केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो वही जी एम बटा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। केस सेकंड में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपको यार याद नहीं रहता, अरे भाई एक फॉर्मूला है तो याद करना है, वही आउटसाइड है, वही सरफेस पे है, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना है। उसके बाद में तीसरा केस जो आता है, जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं, वो देखिए, वो थोड़ा सा केस थर्ड में जो आपका है सॉलिड स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है ठोस गोला है, क्योंकि गोले के अंदर भी मास है इसके, इसके अंदर तो खोखला है तो ये तो गया काम से, इसके अंदर भी मास है। जब इसके अंदर मास है तो उस कंडीशन में जी एम बटा आर क्यूब आर डॉट लगाएंगे, इसका मास का वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, इस एम डेस का वैल्यू रखेंगे, भाई अंदर कौन से बिंदु पे लिया उसने, अंदर यहां पे लिया, इतना ही गोला काउंट होगा, तो उसके लिए मास एम डेस आएगा, ये मास आपका एम डेस आएगा, एम डेस का वैल्यू पुट किया 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये स्टेप आप साइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेरिवेशन पार्ट है, आप ये याद रखें, ये हमारे काम में आने वाला है, बहुत जबरदस्त। 4/3 पाई जी है, पाई जी या पाई रो जी आर या जी आर रो, जैसे भी आप इसको बोलना चाहो, 4/3 पाई रो जी आर, ये सॉलिड स्फीयर के इनसाइड द पॉइंट, कोई भी पॉइंट गोले के अंदर होगा वहां पे आएगा, ठीक है। यहां से बताइए, ये क्लियर है, इनसाइड द स्फीयर किसी भी बिंदु पे अगर लेते हैं अंदर, तो वहां पे ये आ जाएगा। केस थर्ड में अगर ये आपका होलो स्फीयर लेते हैं, खोखला गोला, गोले के अंदर कोई मास ही नहीं है, तो मास नहीं है तो भाई इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता जीरो, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है, जब अंदर मास ही नहीं है तो वहां पे इंटेंसिटी कहां से आएगी। तो बहुत ही जबरदस्त लॉजिक बन रहा है, तीनों फॉर्मूले एक बार, सभी बच्चे एक बार बोल दे कि सर याद है, एक बार कमेंट सेशन में लिख दे सर याद है, एक बार कमेंट सेशन में लिख दे कि सर याद हो गया है, सरफेस पे जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर, आउटसाइड सरफेस पे जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड 4/3 पाई रो जी आर, और इसमें इनसाइड में क्या हो गया, जीरो हो गया। तीन और तीन छह के फॉर्मूले अभी के अभी याद हो जाने चाहिए, बताओ, यस गजब। हाँ, यहां पे ये चीज में आपको, ये चीज जो यहां पर आ रहा है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता तो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर हो सकता है, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर, अगर पोटेंशियल आपका ये डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, यस। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, याद हो गया सर, चलो जी आगे बात करते हैं, ठीक है, यस। डीपी पिछली जन अकेडमी वॉरियर्स पे अब आता है नया पॉइंट आपका, और एक और धमाका जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी गुरुत्वीय विभव, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बनने वाला है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, गुरुत्वीय विभव क्या है, यार मुझे एक चीज बता दो बस, V बराबर W बटा Q कितने बच्चों को याद है, V बराबर W बटा Q कितने बच्चों को याद है, जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का, V बराबर W बटा Q कितने बच्चों को याद है, और मैं एक ही बात बोलूंगा, क्लास में टिक के पढ़ोगे ना जी जान लगा के, तो सिलेक्शन बेच एक दिन वो प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएगी बेटा, मैं कह रहा हूं, चाहे चाहे जहां पे पढ़ लेना, ये जो प्लेलिस्ट आपको तैयार करके देगी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, बस दिलो जान से आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, टिक के स्टडी करिए, अपने आपको एक लाइन में रेगुलरिटी के साथ रखिए, नोट्स बनाइए, क्लास को कंप्लीट वन बाय वन तैयार करते चलिए, और फिर अनअकैडमी पे आपको प्रैक्टिस करवाई रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 3 प्रैक्टिस क्लास डेली होती है, ठीक है, यस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे डिफाइन करने जाए, ठीक है, यस। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा था, हम यहां पे क्या बोल रहे थे, इस डेफिनेशन को मैं एक बार रिवाइज करूंगा, फिर कॉपी पेस्ट चिपकाऊंगा, क्या मैंने कहा, एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क होता है वही पोटेंशियल कहलाता है, वही विभव कहलाता है। मतलब यहां पे जो आपका डेफिनेशन में बना रहा हूं, एकांक आवेश को लेके आ रहे हैं,
तो हम यहाँ पे एक काम किसको लेके आ सकते हैं, इमेजिन करके बताओ, यहाँ पे हम यूनिट के रूप में किसको लेके आ सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम यूनिट के रूप में किसको लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हम यूनिट के रूप में किसको लेके आ सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे, मास, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल किसका है, मास का, वी बराबर डब्ल्यू बटा एम। बस एक बार ये चीज दिलो दिमाग हृदय फेफड़े में स्कैन हो जाए, उसके बाद में डेफिनेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन तो हमें कर ही लेंगे। V बराबर W बटा M, जूल प्रति केजी, ये क्या था, कोई मुझे बताएगा बेटा इसका यूनिट है, जूल प्रति कूलम, याद आया कुछ, इसका क्या बनेगा, जूल प्रति केजी इसका यूनिट बन रहा है, जिसकी मैं बात यहाँ पे आपसे करने वाला हूँ, जूल प्रति केजी, ठीक है, जूल प्रति केजी यहाँ पे इसका यूनिट बनने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जूल प्रति केजी ये इसका यूनिट बढ़ जाएगा। अगर आप इसकी डायमेंशन बनाना चाहते हो तो डायमेंशन हम बढ़ा सकते हैं बेटा, जूल के लिए एम वन एल टू टी माइनस टू बट्टा के जी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एम वन, ये कट जाएगा तो अपनी डायमेंशन बढ़ जाएगी एल टू और टी माइनस टू। आप मुझे बताइए ये चीज क्लियर है क्या, चलो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से बताता हूँ, उसके बाद में वापस लेके आता हूँ। यूनिट मास को यानी एकांक आवेश को, एकांक आवेश है और उसको अपने किसी प्रभाव क्षेत्र में लेके आया, ठीक है, यस, उसके लिए हमें जो कार्य किया गया वही उस बिंदु के गुरुत्वीय विभव कहलाता है, V बराबर W बटा M। अगर आपको डेफिनेशन एक बार देखनी है आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं फिर वापस लेके जाऊंगा, किसी यूनिट मास को एकांक द्रव्यमान को, यूनिट मास को एकांक द्रव्यमान को, यहाँ पे देखिए यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य वर्क, उस बिंदु पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, V बराबर W बटा क्यू, क्यू नहीं यहाँ पे अपन एम लेंगे, क्यू बटा डब्ल्यू बटा एम। डेफिनेशन क्लियर बेटा प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का डेफिनेशन क्लियर है, प्रत्येक बच्चे का डेफिनेशन क्लियर है, वी बराबर डब्ल्यू बटा एम जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका लॉजिक बनेगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, V बराबर W बटा M, जूल प्रति केजी, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसकी विमा होगी। डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन मैंने बता दिया, तो अब थोड़ा मैं आगे लेके चलू जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, डेफिनेशन जूल प्रति केजी, यूनिट मास को किसी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया कार्य वर्क डन, एक यूनिट मास को लाने के लिए वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, V बराबर W बटा M, इसके बारे में अपने बात किया। चलो अब आगे आ जाओ स्पेशल पॉइंट में, कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। यस सर, शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ये सपोर्ट और प्यार आपका यही मिलता रहे, और क्या बात है, 495 बच्चे, 495 ने प्रेजेंट लगा दिए लाइक बटन पे, जोश के साथ की सर, हाउस जोश का रिप्लाई मैंने लाइक बटन पे दिया है, बहुत बढ़िया, 495 बच्चों का हाई है जोश, गजब। देखिए बेटा यहां पे समझिए, स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर जहां से उस यूनिट मास को हमने उठाया वो कहां पे था, इनफाइनाइट पे, अगर उसको इनफाइनाइट से उठा के लेके आ रहे हैं तो उसको यहां तक लाने के लिए जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो कितना होगा, पहला मेरा सवाल आपसे, पहला मेरा सवाल आपसे, वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस होगा आर इनफाइनाइट। गजब बात कर रहे हो सर, अगर आर दूरी से उसको उठा के लेके आ रहे तो वहां पे विभव कितना होगा, वहां पे विभव होगा सर इनफाइनाइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, अर्थात इनफाइनाइट पे, अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान अधिकतम होता है, अनंत पे गुरुत्वीय विभव का मान अनंत सॉरी अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। सर नहीं समझ में आया, अभी हमारे दिलो दिमाग में घुस नहीं रहा है, ये पॉइंट जा नहीं रहा है जिसको अपन यहाँ पे डील करने चाह रहे हैं। सर कैसे होगा, विभव का हमें जनरल फॉर्मूला देके बताओ, मैं आपको बता, मान लीजिए ये एक आपका स्पेयर है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, और इससे कुछ दूरी पे ये आपका सेंटर है, इससे कुछ दूरी आर पे हमने एक बिंदु पी लिया है, और इस बिंदु पी पर हमें विभव निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्मॉल एम का मास लिया है, ये आपका कैपिटल एम मास है। यहाँ पे मुझे थोड़े से मैं फिर कॉपी पेस्ट की बात करूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे बता दो आप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एग्री कर रहे हो मेरी इस बात को, याद है किसी बच्चे, सॉरी के क्यू अपॉन आर, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, के क्यू अपॉन आर बेटा, ओके वन सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, के क्यू अपॉन आर, ओके के क्यू अपॉन आर, यानी ये आपका जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर। यहां पर भी सेम लॉजिक हम लगा देंगे, के की जगह कैपिटल जी, क्यू की जगह मास,
और आर की जगह दूरी उस बिंदु की जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, तो पॉइंट पी पर जो विभव है वीपी बराबर माइनस में लगा रहा हूं भी बताऊंगा आपको कैपिटल जी कैपिटल एम और दूरी कितनी है सर स्मॉल आर, ये बिंदु पी पर विभव है जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? यस यस, जब उसको इनफाइनाइट से अनंत से उसको उठा के लेके आए तो उस आकर्षण बल के विरोध में उसको वहां पे कार्य किया गया और उसी कार्य को हमने रिप्रेजेंट किया नेगेटिव साइन के साथ में। और विभव का फॉर्मूला हमारे सामने, डेरिवेशन मैंने आपको नहीं दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर दूरी पर आपका जो बिंदु पी है इस पर विभव आपको मिल रहा है। मैंने ये फॉर्मूला आपको यहीं पे क्यों बता दिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक लाइन अभी पढ़ी थी, ये वाली लाइन शायद आपको अभी कानों में गूंज रही होगी, इनफाइनाइट पे अगर आर इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो विभव जीरो हो जाएगा और जीरो इस माइनस वाले से बड़ा है और इसीलिए मैंने उसको एक वर्ड यूज किया मैक्सिमम अधिकतम, वो वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया था, विभव अधिकतम होगा कहां पे? अनंत पे। कितना होगा? जीरो होगा। एक बार इस पॉइंट के लिए मुझे क्लियर करके बताइए, यहां से किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? बता दिया ना बेटा कहां से आया, मैं यही तो बता रहा हूं आपको, जब उसको वहां से लाया जा रहा है अनंत से लेके आया जा रहा है, जो आपका स्मॉल एम का जो मास है उसको अनंत से आपने उठाए उस बिंदु तक लेके आए तो आपको कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और उसी कार्य जो विरोध हो रहा है उसी कार्य को उसी विरोध के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है नेगेटिव साइन के रूप में, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया गया। ओके यस, ठीक है यस। तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, जनरल फॉर्मूला जो के क्यू अपॉन आर का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला जी एम अपॉन आर है, आर का वैल्यू अगर इनफाइनाइट लेते हैं तो विभव का वैल्यू जीरो हो जाएगा जो कि अनंत पे होगा जो कि अधिकतम होगा। ये आपका पहला स्पेशल पॉइंट मेरे हिसाब से सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अगर सभी बच्चों का पहला पॉइंट क्लियर है तो मैं लगे हाथ दूसरे पॉइंट पे बात करना चाहूंगा और इस बार मैं पृथ्वी जो कैपिटल है मास है उसी के सरफेस पे निकालना चाहता हूं विभव, उसी के सरफेस पे निकालूंगा तो उसके सेंटर से जो दूरी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, यानी पृथ्वी की सतह पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, पृथ्वी की सतह पे जो विभव होगा वो विभव होगा वी एस बराबर माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर की जिसके बारे में अपने यहां पे बात कर रहे हैं। सर ये तो वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया था, याद करवाया था एक बार बोल के देखिए, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, स्मॉल है तो स्मॉल है, पृथ्वी की सतह पे लिया है तो कैपिटल आर कर दो, चिन्ह माइनस का आगे हम लगातार लगा के रख रहे हैं। सर एस क्यों लगाया है? एस का मतलब है अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पे सरफेस पे, वही फॉर्मूला, पृथ्वी को गोला मान लिया और गोले के सरफेस पे विभव निकाल लिया। अभी मैं आगे कराऊंगा आपको हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों के फॉर्मूले तैयार कराऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो, गोले के आउटसाइड में गोले की सरफेस पे और इनसाइड में। पहले ये मुझे बताओ कोई पृथ्वी की सतह पे आपसे विभव पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या करोगे, क्या फॉर्मूला बताओगे? वी एस बराबर कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ बटा आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, यहां पे जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, बताइए एक बार सभी बच्चों का क्लियर है? ठीक है यस, ये आपका फॉर्मूला जो मैं यहां पर आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट आपका, ये आपका स्पेशल पॉइंट, उसके बाद में एक चीज और जो मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो पीछे मैंने आपको बता दिया, आप मुझे बताइए क्या ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला याद है बेटा आपको, V बराबर के क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? स्केलर या वेक्टर? आप कहोगे सर स्केलर, अगर वो स्केलर था तो भाई मेरे ये भी स्केलर है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसकी दिशा नहीं होती, केवल मैग्नेट्यूड आता है, केवल परिमाण आता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अदिश राशि होती है जिसका मात्रक और विमाएं, मैंने आपको कहा था V बराबर W बटा M, मैंने कहा था जूल प्रति केजी, मैंने इसकी विमा निकाली थी, M से M कट जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख देना है M0 आपका L2, L2 जूल है ना, और आपका T माइनस टू, तो M0 L2 T माइनस टू, ये इसकी विमा L2 T माइनस टू और जूल प्रति केजी, मैं पहले ही आपको याद करवा चुका हूं, ये मैं पहले ही आपको याद करवा चुका हूं, ठीक है यस yes. ये मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं एल टू टी माइनस टू, बताइए यहां से क्लियर है बेटा? शाबाश, 549 स्टूडेंट का प्रेजेंट, गजब, बहुत अच्छे, शाबाश। ओके चलो आगे चलते हैं,
अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अभी बारी आ गई है उनके कंपैरिजन की, जिसके बात मैं अभी कर रहा था। फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर होलो स्फीयर, यानी ठोस गोले के लिए और खोखले गोले के लिए, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ये सॉलिड के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये होलो स्फीयर के लिए। सबसे पहला केस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और मुझे आप ये बताइए जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठोस गोला और होलो स्फीयर, खोखला गोला। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर लिया। क्या आपको विभव का फॉर्मूला पता है? यस सर पता है। क्या पता है सर? वी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर। अगर आउटसाइड स्फीयर की बात करेंगे तो चाहे होलो यानी खोखला या सोलिडो फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला रहेगा। पहला केस आपके सामने, वी आउट यहां पे माइनस का जी कैपिटल एम बटा आर, यहां पे वी आउट कैपिटल जी एम बटा आर। आउटसाइड के लिए कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है। नंबर टू, अगर मैं बात करता हूं एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, देन वहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे और सेम आपका केस नंबर टू बन जाएगा। केस नंबर आपका टू बन जाएगा। पहले बताओ केस नंबर एक आपका याद है सभी बच्चों को? पहले मुझे कंपेरिजन करके बताइए, केस फर्स्ट सभी बच्चों का क्लियर है? केस फर्स्ट सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यस, गजब। चलो जी आगे आ जाओ। चलो केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, ये केस फर्स्ट आपका हो गया यहां पे, केस फर्स्ट, ये केस सेकंड। देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है यानी एट सरफेस, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है यानी एट सरफेस, वी सरफेस बराबर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बटा कैपिटल आर, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बटा कैपिटल आर, वी सरफेस, वी सरफेस, यानी इसकी भी सतह पर विभव का फॉर्मूला है वो आपका सेम ही आएगा जिसके बारे में अपन यहाँ पे बातें कर रहे थे। बताइए, डाउट क्लियर है सभी बच्चों का? पहला आपका केस नंबर वन, दूसरा आपका केस सरफेस, लेकिन जो तीसरा आने वाला है वो समथिंग स्पेशल होने वाला है, थोड़ा अलग होने वाला है, उसी की बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस आपका जो थोड़ा सा अलग होगा, डेरिवेशन पार्ट भी थोड़ा इसका लेंथी हो जाता है, हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, इससे अब तक तो एग्जाम में सवाल आया नहीं है इस फॉर्मूले से, यानी सॉलिड स्फीयर के इन साइड में पोटेंशियल विभव अब तक तो आया नहीं है। लेकिन आपको इस फॉर्मूले को ना याद रखे, आपको यहां पे याद रखना है कहां पे, सेंटर वाले को, यानी गोले के अंदर अगर विभव निकालेंगे तो ये डेरिवेशन पार्ट है, लेकिन हम गोले के अंदर नहीं निकालेंगे, गोले के अंदर ही उसके सेंटर की बात करेंगे। वी सेंटर 3/2 कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर, यानी सेंटर पे जो विभव है वो सरफेस के विभव का कितना गुना है? 3/2 यानी 1/5 गुना है, सॉरी 1.5 गुना। सतह का जो विभव है केंद्र पे 1.5 गुना होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा विभव कहाँ पे हुआ? सॉलिड के सेंटर पे, ठोस गोले के केंद्र पे, क्योंकि सरफेस का भी ज्यादा है 1.5 गुना सेंटर पे। सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं, तो ये केस इंपोर्टेंट नहीं है, ये केस इंपोर्टेंट है जो मैंने यहां पर आपको बताई है। ये बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, सरफेस का विभव सबको पता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटा कैपिटल आर, बस उसके आगे 3/2 लगा दो, कहानी खत्म। वी सेंटर बराबर 3/2 कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर, सिंपल। हमने मोड़ लिया है इसलिए माइनस हटा दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड केस में, होलो स्फीयर के लिए, खोखले गोले के लिए, क्या खोखले गोले के अंदर कुछ मास होता है? क्या खोखले गोले के अंदर मास होता है? नहीं सर। क्या खोखले गोले के लिए विभव का फॉर्मूला, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का के क्यों आर, ये चेंज होता है? नहीं, उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है, यानी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। सेम कॉपी पेस्ट करके इधर लगा रहा हूं, देखिए क्या विभव का मान सभी जगह पर समान होगा, सतह के मान के तुल्य होगा, उसके बराबर होगा सरफेस, क्योंकि ये होलो स्फीयर है, खोखला गोला है, और वी इन वी सरफेस ये कह सकते हैं बराबर होगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर। यहां से मुझे बताइए, यहां से मुझे बताइए फटाफट से, तीनों फॉर्मूले क्लियर है सभी बच्चों के? तीनों फॉर्मूले क्लियर है? ये 3/2 वी सरफेस है और ये इनसाइड में है, जो जितना सतह पर है उतना ही अंदर है, बताइए बेटा। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, गजब बेटा गजब, बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
यानी विद्युत जो विभव है उसके समान ही है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हमारा ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका हो गया है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। यस, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। और सारे बच्चे एक बार हाउ द जोस का रिप्लाई लाइक बटन पे और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के कह सकते हैं या हाई सर बोल के रिप्लाई कर सकते हैं फटाफट से। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आप 4 बजे वाला प्रैक्टिस मिस ना करें बेटा। 4 PM पे अनअकैडमी प्लस पे और सॉरी स्पेशल पे, अनअकैडमी स्पेशल पे 4 PM, अनअकैडमी स्पेशल पे 4 PM का हमारा जो प्रैक्टिस क्लास नया हमने स्टार्ट किया है, ये स्पेशल क्लास है आपका, बिल्कुल फ्री क्लास होता है, इस क्लास को मिस मत करना। मॉर्निंग वाली क्लास को सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसको कुछ बच्चे स्किप कर रहे हैं, लेकिन एक बार क्लास को ज्वाइन करके देखिएगा, मॉर्निंग क्लास वाले भी इतने ही, उसमें भी सुपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 बजे वाली क्लास में। ठीक है, यस, सारे नए क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सब, तो एक बार आप क्लास ज्वाइन करोगे तो ये क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाई सर, सिलेक्शन बैच कब कंप्लीट होगा? सिलेक्शन बैच कब कंप्लीट होगा? जिस हिसाब से पढ़ा रहे उस हिसाब से आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी क्लासें हो रही है। ओके ओके बेटा, यस, चाइनीज पर्स, गॉड ब्लेस यू। जब ये 11th कंप्लीट हो जाएगा तब 12th स्टार्ट हो जाएगा। शाबाश, गजब, बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं आपके, गजब बेटा। 11th कब तक करवा दोगे? बेटा करवाने का काम नहीं है, मैं कचरा नहीं करूंगा, जो भी कराऊंगा सिस्टमेटिक वैसे कराऊंगा, क्योंकि मैंने मेरी क्लास पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो किया है ना वो लाइफ टाइम के लिए होता है। मैं एक ही बार पूरी क्लास में मेहनत लगा देता हूँ, मेरी क्लासें बार बार देखी जाती है। बाकी कहीं पर भी आप जाके देखोगे ना, जो बच्चे लाइव में 5,000, 7,000, 10,000 बच्चे देख लिए वो देख लिए। आज मेरी सिलेक्शन बैच की पहली क्लास जाके देखो, 30,000 से 35,000 बच्चे उसको देख चुके हैं, रेगुलर वो ट्रेंडिंग में है। आप सिलेक्शन बैच पार्ट 2 की कोई भी क्लास उठा के देखो, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक प्रत्येक क्लास पे व्यूज है। एक क्लास पे शायद 1,20,000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने किया है लाइफ टाइम के लिए। इसी तरीके से ये प्लेलिस्ट बढ़ेगी, कचरा नहीं होगा, सारा होगा सिस्टमेटिक वे से होगा, ढंग से होगा। ठीक है बेटा, यस, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। राम सर का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो।